टूनी चिड़िया की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उसका एक भी बच्चा नहीं था। टूनी चिड़िया जब घर में अकेली होती तो राधा नाम की कौवी उसके पति लालू चिड़िया के मुँह बोली बहन थी। वह रोज़ टूनी चिड़िया को आकर ताना सुनाया करती। तभी शाम को टूनी चिड़िया के पति लालू चिड़िया काम से आता है। लो जी मेरी धर्म पत्नी, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना, मर जाऊंगी लेकिन खाना को हाथ नहीं लगाऊंगी। लोगों के ताना सुन सुन कर मैं ऐसे ही मर रही हूँ। मेरी पत्नी बस इस बात से गुस्सा है, लोग तो कुछ भी कहेंगे लेकिन उन लोगों की बात मानकर खाना खाने के लिए थोड़ी ना छोड़ दोगी। लालू चिड़िया की बहुत मनाने के बाद उसकी पत्नी अपने पति की बात मानकर खाना खाने लग जाती है। सुबह होते ही लालू चिड़िया की मुँह बोली बहन अपने पति के साथ झगड़ा होकर टूनी चिड़िया के घर के पास आकर रोने लगती है। यह देख लालू चिड़िया राधा कौवी से कहता है, अरे बहन, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के पास आकर क्यों रो रही हो? क्या बात हो गया है? घर में सब ठीक तो है ना? देखो ना भैया, मेरे पति रोज शराब पी कर आते हैं, ना ही काम पे जाते हैं और ना ही खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। एक महीना हो गया, घर में राशन तक नहीं है और मुझे और मेरे बच्चे को रोज मारते हैं। कैसे गुजारूंगी इस शराबी के साथ जिंदगी। ठीक है बहन, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो, लेकिन मैं जाकर एक बार उस शराबी कौवे से जरूर बात करूँगा। इतना कहकर रोज की तरह लालू चिड़िया काम पर चला जाता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद, चलो दीदी खाना खा लो, सुबह से खाना नहीं खाई हो, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें खाना निकालने की, यह मेरे भाई का घर है, मुझे भूख लगेगा मैं खुद निकाल कर खा लूँगी। ऐसे भी तेरे हाथ से मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं, क्या पता मेरे बच्चे हैं वह भी मर जाए, करम जली कहीं की। राधा की ताने वाली बात को सुनकर टूनी चिड़िया अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया राधा को कुछ नहीं कहती क्योंकि टूनी चिड़िया दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं सोचती। शाम होते होते रोज की तरह लालू रात में खाना लेकर आता है और अपने पत्नी और अपनी बहन को दे देता है, लेकिन टूनी राधा के बारे में लालू चिड़िया से कुछ नहीं कहती, दुखी मन से खाना भी खा लिया करती। तभी एक दिन टूनी चिड़िया के पेट में दर्द होता है। तभी लालू चिड़िया अपने पत्नी टूनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर टूनी चिड़िया को चेकअप कर कहता है, टूनी बहन, मैंने अभी तक इतने चिड़ियों का टेस्ट किया लेकिन ऐसी रिपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार किसी की रिपोर्ट ऐसी देख रहा हूँ। कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है रिपोर्ट में? मेरी पत्नी ठीक ठीक तो है ना? मैं ठीक तो हूँ ना डॉक्टर साहब। हाँ भाई लालू, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी पत्नी, पर ऐसा क्या है डॉक्टर साहब रिपोर्ट में? अरे लालू भाई, मैंने अभी तक जितने चिड़ियों का टेस्ट किया उनके पेट में खाली एक ही अंडे या दो अंडे मिलते थे, लेकिन टूनी के पेट में पूरे 7 अंडे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर टूनी चिड़िया और लालू चिड़िया खुश हो जाते हैं। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता।
यह बात पूरे जंगल में आग की तरफ फैल जाता है। सराबी कावा अपनी पत्नी को लेने के लिए टूनी चिड़िया के घर के बाहर ही खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोल रहा था। ओ मेरी काली धर्म पत्नी, निकलो बाहर, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। अगर आज तू मेरे साथ नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चलो मेरे साथ, चलो मेरी पत्नी, चलो। राधा कौवी का पति शराब के नशे में जोर जोर से राधा को चिल्ला रहा था, तभी वहाँ लालू चिड़िया आ जाता है। कावे को नशे में देखकर लालू चिड़िया गुस्सा हो जाता है, दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। शराबी कावा लालू के सर को शराब के बोतल से मार देता है, जिससे लालू चिड़िया की वही मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपको क्या ज़रूरत थी जी इस शराबी कावे से लड़ने की? अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? इतना कहकर टूनी चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पति के मर जाने के कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया अंडे देती है और कुछ दिनों बाद अंडे फूट कर उसमें से 7 काले काले बच्चे निकलते हैं। अरे मनहूत, जैसी तेरी सोच है वैसे ही तेरे बच्चे। कभी देखा है तुम्हारे जैसे चिड़िए को काले काले बच्चे देते हुए? दुनिया देखेगी तो क्या समझेगी? ये मेरे भाई को खा गई, अब उसके जाने के बाद तेरे काले काले बच्चे कलमुही कहीं की? दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना दी। भगवान ने जैसा दिया है वह मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे तो दुख नहीं है। अरे कलमुही, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, अब तुम्हारी जुबान भी चलने लगी। निकल मेरे भाई के घर से, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है रहने की, मनहूस कहीं की। पर यह तो मेरे पति के साथ साथ मेरा भी घर है, मैं कहाँ जाऊँगी अपने साथ तो बच्चों को लेकर? ऊपर से तुम्हारे ही पति ने तुम्हारे ही कारण मेरे पति की हत्या की। टूनी के इतना कहते ही टूनी के बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वह काली कौवी को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद वह टूनी अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहने लगती है।